आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं डायनेमिक इफेक्ट सेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, क्या आपको पता है डायनेमिक इफेक्ट सेटिंग क्या होता है? अभी तक क्या होता था, जैसे इनकमिंग कॉल या नोटिफिकेशन पर हमें एक सेटिंग मिल जाता है बैक फ्लैश लाइट ऑन ऑफ का, तो जब हम इसको कर देते हैं अनेबल, तो जब हमारा इनकमिंग कॉल या नोटिफिकेशन आता है तो हमारा बैक फ्लैश लाइट ऑन ऑफ होता है। ये तो सबको मालूम है। अब तो ये हो गया हमारा ओल्ड फीचर, लेकिन अब क्या होता है, वीवो ने अपने मोबाइल के सभी मॉडल में डायनेमिक इफेक्ट के लिए एक न्यू फीचर ऐड किया। तो जब हमारा इनकमिंग कॉल या नोटिफिकेशन आता है तो हमारे डिस्प्ले के कॉर्नर में कलर लाइट चलता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, वीवो का जो भी मोबाइल 2-3 साल के अंदर मैन्युफैक्चर हुए हैं यानी लेटेस्ट में, उस मोबाइल में यह फीचर ऐड है। और वीवो का जो भी मोबाइल 2-3 साल पुराना मैन्युफैक्चर हुआ है उस मोबाइल में ये फीचर नहीं ऐड है। लेकिन आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे आपके पास वीवो का ओल्ड मॉडल हो या फिर आपके पास अदर कंपनी का मोबाइल है, जैसे रेडमी, ओप्पो, एमआई, चाहे आपके पास कोई भी मोबाइल हो, आप इस ऐप को यूज कर सकते हैं थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से। वैसे तो दोस्तों, आपको प्ले स्टोर पर हज़ारों ऐप मिल जाएंगे डायनेमिक इफेक्ट के लिए, लेकिन अगर आपको एक बेस्ट वाला ऐप इंस्टॉल करना है तो आप हमें कमेंट करें, हम अगला वीडियो इसी पर बनाएंगे। तो समय न गवाते हुए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट, और आप भी मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त टेक्निकल सनी। तो चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। सबसे पहले हम खोलेंगे सेटिंग, खोल लेते हैं सेटिंग। उसके बाद हम यहाँ सर्च करेंगे डायनेमिक इफेक्ट। हमारा डायनेमिक इफेक्ट यहाँ पर है। मान लीजिए अगर आपके मोबाइल में ऑप्शन डायनेमिक इफेक्ट का नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर दिया है सर्च सेटिंग, आप जाएंगे सर्च बॉक्स में, यहाँ पर सर्च कर लेंगे। डायनेमिक का मीनिंग है DYN, डायनेमिक। इसमें जो सेकंड ऑप्शन है डायनेमिक इफेक्ट, आप चाहे तो यहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं, और या तो आप चाहे तो कैंसिल करके यहाँ से क्लिक करके अंदर जा सकते हैं। तो हम करते हैं डायनेमिक इफेक्ट को क्लिक, और उसमें जितने भी सारे ऑप्शन हैं सब डायनेमिक इफेक्ट सेटिंग के लिए हैं। लेकिन हमें डायनेमिक इफेक्ट कहाँ पर सेट करना है, केवल इनकमिंग कॉल और नोटिफिकेशन पर। तो हमें जाना पड़ेगा सबसे ऊपर वाले में, एम्बिएंट लाइट इफेक्ट। हम खोलेंगे एम्बिएंट लाइट इफेक्ट, उसके बाद अपन नीचे जाएंगे, यहाँ लिखा है इनकमिंग कॉल, तो यहाँ पर हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से हमारा ऑन है। उसके नीचे क्या है, नोटिफिकेशन, यहाँ से भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ से तो केवल हम ऑन ऑफ कर दिए। अब इसको मान लीजिए हमें करना है सेटिंग, तो हम करते हैं सबसे पहले इनकमिंग के लिए सेटिंग। ऑन ऑफ के नीचे है यहाँ लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल, इसको हम करेंगे क्लिक। उसके बाद यहाँ हमारा है इफेक्ट, इफेक्ट हम चूज कर लेंगे जो हमें चाहिए। इस समय तो फिलहाल में हमारा ए वाला चूज है, तो हमें अगर करना है तो हम अप्लाई भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। ये हो गया इफेक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कलर, अपन करेंगे कलर पर क्लिक। यहाँ से है ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू, इधर से कस्टम कलर है, यहाँ से कस्टम कलर अपन कर सकते हैं चूज जो भी करना है। उसके बाद हम करते हैं कैंसिल या कंफर्म। ये तो हो गया कलर। अब अपन देख लेते हैं ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी में हमें कितना चाहिए, कितना कम चाहिए या फिर कितना ज़्यादा चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं विड्थ, करेंगे विड्थ पे क्लिक। विड्थ में क्या है, यहाँ पर है बिल्कुल नैरो और यहाँ पर है बिल्कुल वाइड। अगर अपन ऐसे करेंगे तो कितना भद्दा लग रहा है, और इतना भी कम कर देंगे तो कम ही दिख रहा है। तो समथिंग हम यहाँ पर रखते हैं, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अगर हमें करना है अप्लाई तो हम कर सकते हैं अप्लाई, या हमें करना है कैंसिल तो हम कर सकते हैं कैंसिल। मान लीजिए हम इसको कर दें कैंसिल। इसके बाद हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन के लिए, सबसे नीचे है लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन, इसको हम करेंगे क्लिक। यहाँ पर क्या है, लगभग लगभग इसमें वही ऑप्शन है, केवल इसमें एक ऑप्शन चेंज है। सबसे पहले इधर इफेक्ट है सेम, इधर कलर है सेम, इधर ट्रांसपेरेंसी है सेम, एंड इधर विड्थ है सेम। इसके बाद इसमें जो प्लस पॉइंट है वो है टाइम ड्यूरेशन, हम टाइम ड्यूरेशन को कर लेते हैं क्लिक। उसके बाद देखते हैं हमें नोटिफिकेशन के बाद जो लाइट चाहिए बिल्कुल शॉर्ट टाइम में चाहिए या मिडिल टाइम में चाहिए या लॉन्ग टाइम में चाहिए, हमें जो भी करना है वो हम कर सकते हैं। तो हम तो मान लीजिए रखते हैं शॉर्ट टाइम में, आप अपने हिसाब से रख लीजिए। इसको हम कर लेते हैं अप्लाई या कैंसिल, हम कर देते हैं मान लो अप्लाई, कर दें अप्लाई, उसके बाद करते हैं कैंसिल। तो ये तो हो गया नोटिफिकेशन के लिए। अब हमें किस किस ऐप के लिए डायनेमिक इफेक्ट नोटिफिकेशन पर चाहिए, तो इस पर हम करते हैं नोटिफिकेशन ऐप्स पर क्लिक। उसके बाद हमें जिस पे चाहिए हम करेंगे टिक ओके पर, जिस पे नहीं चाहिए उसको हम कर देंगे ऐसे कैंसिल।
और हमें सब पर चाहिए तो हम कर सकते हैं ऑल, हम कर दिए ऑल। उसके बाद हम चलते हैं नोटिफिकेशन ऐप्स को पीछे करते हैं। इसके बाद यहाँ दिया है कस्टम टाइम। कस्टम टाइम का मतलब हमें 24 घंटे के लिए चाहिए यह सेटिंग या कुछ शेड्यूल हम बनाना चाहते हैं। चलो हम शेड्यूल बना देते हैं, मान लीजिए शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक, मतलब रात में हमारा डायनेमिक इफेक्ट काम करेगा और दिन में नहीं काम करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक और इसको हम कर लेंगे शाम 6 बजे पे सेट। शाम 6 मतलब ये हमारा 24 घंटे वाला समय सेट है, तो हम कर लेते हैं 18 बजे यानी शाम 6 बजे। ओके, शाम 6 बजे से स्टार्ट है, एंड कब करना है, सुबह 6 बजे। तो इसको हम सुबह 6 बजे कर लेते हैं एंड, नहीं तो 7 बजे करना है तो हम 7 बजे भी कर सकते हैं एंड। अब ये डायनेमिक इफेक्ट हमारा कब काम करेगा, शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक। और ऐसे ही आप सब सेटिंग चेक करते रहिए, आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। और आपको किसी भी मोबाइल से संबंधित कोई भी सेटिंग की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो बना देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।